Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. Last video lecture में हम लोगों ने कुछ examples discuss किए थे, उसी से related जो questions हैं exercise में वो discuss करने वाले हैं। सबसे पहला question है, question number first, यह लिखा है evaluate each of the following using identity. Evaluate करना है इनकी values को किसकी help से? Identity की help से। पहला जो हमें question दे रखा है उसका पहला पार्ट है 2x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। तो आपको पता है एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी हम लोगों ने a प्लस वी का होल स्क्वायर। क्या था ये आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x माइनस 1 अपॉन x है, तो यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा फिर? माइनस होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू कितनी है 2x और v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अपॉन x से x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 जा, ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे जब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है 2x प्लस y 2x माइनस y, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है आपको पता होगा। एक आइडेंटिटी बताई थी हमने आपको a प्लस b a माइनस b, क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आएगा माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर। दोबारा समझ लेते थे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का क्या होगा? a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 2x होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, यहां लिखा है a स्क्वायर v माइनस v स्क्वायर a और पूरे पे लगाया होल स्क्वायर, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? यहां से a, यहां से a, यहां से b, यहां से b, a b कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब a माइनस b का होल स्क्वायर बचेगा तो आपको देखो a v इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ए ए बी का स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से होगा, तो देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर से होगा ए की पावर 4 और बी स्क्वायर बचेगा प्लस, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का बी की पावर 2 से होगा तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही जाएगा और यहां पे बी का स्क्वायर का बी स्क्वायर से करेंगे बी की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2, ए स्क्वायर का ए से करेंगे ए क्यूब, ऐसे बी स्क्वायर का बी से करेंगे बी, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा।
अब फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा a माइनस 0.1 a प्लस 0.1। वही कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a माइनस b a प्लस b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.01। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोला गया है एक बार देख लेते हैं, यहाँ ही इधर सॉल्व कर लेते हैं पार्ट को। फिफ्थ पार्ट है हमारा, इस पे लिखा है हमारे पास 1.5x² माइनस 0.3 y स्क्वायर इंटू 1.5x² प्लस 0.3 y स्क्वायर। तो आपको शायद दिख रहा होगा आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b a प्लस b। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 1.5 का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.3 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे 15 का होल स्क्वायर होता है 2 to 5। डेसिमल एक प्लेस बाद है, कितनी प्लेस बाद हो जाएगा, दो प्लेस बाद। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। डेसिमल एक प्लेस बाद है तो कितने प्लेस बाद लगेगा, दो प्लेस बाद, वाई की पावर 4 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आ चुका है। जो भी आपको नहीं आते हैं दोबारा आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन बोली है, एवलुएट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट है यहां दिया हुआ ऐसे 105 मल्टीप्लाइड बाई 106। अब मन में आएगा ये इसको आइडेंटिटी कैसे लगा सकते हैं, तो 100 के आसपास है, जनरली 100 से हेल्प लेंगे तो 100 प्लस 5 लिख सकते हैं इसे, और इसे 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब देखना एक आइडेंटिटी आपको लिखाई गई थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, क्या थी ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद होगा आपको ये आइडेंटिटी, यहां प्लस होगा, यहां प्लस है तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखिए x की जगह कौन दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है, a की जगह कौन दिख रहा है 5, और b की जगह कौन दिख रहा है 6। तो x स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब 5 प्लस 6 इंटू x, इंटू x का मतलब इंटू 100 प्लस ab, ab का मतलब 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 5 प्लस 6 हो गया 11, 11 का 100 से करेंगे 1100 आएगा, प्लस 5 6 30, ठीक है ना। आप इनको ऐड करेंगे यस, कितना मिलेगा आपको 0 3 1 1 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट को जब हम डिस्कस करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है हमारा,
वन माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम लोगों को तैयार है, तो यही आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.02 का होल स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 0.02। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0.02 का होल स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दो प्लेस बाद डेसिमल था, चार प्लेस बाद हो जाएगा, 1, 2, 3 और एक चार प्लेस बाद डेसिमल हो जाएगा। माइनस 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 0.0। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, या पहले 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 में से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 1 को लिख सकते हैं 1.00, यहां हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देख लीजिएगा, 1 माइनस करना है 0.04, डेसिमल लगाएंगे 0.00, कैरी करेंगे 10, फिर यहां कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से माइनस करेंगे 4 को 6 हो जाएगा और यह बचेगा 9, 9 में से 0 माइनस करें 9 हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा आपका 0.96 प्लस 0.0004। ऐड करिएगा कितना हो जाएगा ये 4069, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, है 991 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 991 को लिख सकते हैं आप 1000 माइनस 9, और इसे लिख सकते हैं आप 1000 प्लस 9। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता ही होगी आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि 1000 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 आ जाएंगे, माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, माइनस करो यहां कैरी करेंगे यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 1 9 माइनस करेंगे 9 आए, ये 9 में से माइनस करेंगे 1 वो 8 को 1 आएगा, फिर यहां 9 यहां 9 यहां 9 और यहां भी 9, कुल मिला के ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ये थर्ड पार्ट हो गया, अब हम लोग फोर्थ पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। 170 मल्टीप्लाइड बाय 83, 170 को लिख सकते हैं 100 प्लस 17, 83 को लिख सकते हैं 100 माइनस 17, कौन सी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर, देखिए ना a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 10,000 माइनस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 इक्वल, माइनस करिए यहां हो जाएगा आपका 100, यहां पर 10 है, 10 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 9 है, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ कितना है 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 9 यानी 9711। सिमिलरली अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, तो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा हमारा 97 का होल स्क्वायर, 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो क्या लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पता ही होगी आप लोगों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी 100 इंटू 3, कुल मिला के 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 टू जा 6 और 100 से करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कर लीजिए 600 को, तो कितना आएगा देखिए, 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, फिर 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, फिर 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा और यहां बचेगा 9 प्लस 9, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 9409। ये भी आपका आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ही पार्ट है हमारा 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 प्लस 0.24 इंटू 0.24, कुल मिला के आपको दिख रहा होगा यहाँ, इसे मैं लिख सकता हूं 0.76 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस इसे मैं लिख सकता हूं 0.24 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है दोबारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 0.76 प्लस बी की वैल्यू 0.24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 1.00 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये है 1.75 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.75 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। देखिएगा कौन सी आइडेंटिटी बनती दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1.75 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा कुल मिला के 200 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, कितने जीरो से 2 कितने लग जाएंगे 4, कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, थ्री टू टू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 322 मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस 22 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है 322 माइनस बी की जगह कितना है 22 है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी आपने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आपने कहा था ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना जाएगा 300, और 300 का जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और कितने जीरो से 2 कितने हो जाएंगे 4 यानी 90,000। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। अब हमारा है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 7.83 मल्टीप्लाइड बाई 7.23
83 माइनस 1.17 मल्टीप्लाइड बाई 1.17 होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम 6.66 से। ध्यान से देखेंगे जब हम लोग ऊपर दिख रहे हैं हमें इसे लिख सकते हैं 7.83 का होल स्क्वायर माइनस इसे 1.17 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.66 ऊपर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होना 7.83 प्लस 1.17 दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 7.83 माइनस 1.17 डिवाइडेड बाई 6.66 दोबारा देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट में तो हो जाएगा इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए 7 3 0 10 0 1 और 8 9 और 1 क्या देता 10 जीरो लिखेंगे डेसिमल 7 और +8 और 1 क्या देता 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस करिए 13 में से माइनस करेंगे 7 को 6 बचेगा या बच्चा 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6 बचेगा 0.7 में से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा होल डिवाइडेड बाई कितना था 6.66 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बचेगा आपका आंसर 9 बचेगा। तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने इस लेक्चर में किए हुए हैं आगे के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा।